आज के क्लास में हम लोग देखते हैं जीवन की मौलिक इकाई कोशिका भाग दो। कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे खोज हुई, माइक्रोस्कोप क्या है, सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी क्या है, कैसे कैसे नामकरण पड़ा, इस संबंध में हम लोग कल के वीडियो में पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। आज हम लोग देखते हैं कोशिका का जो अनुप्रस्थ काट है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोशिका को देखते हैं तो कोशिका कैसा दिखता है। कोशिका का एक बाहरी आवरण होता है, जंतु कोशिका ये लिए हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में फर्क होता है। जंतु कोशिकाओं में विभिन्न अंगों में या ऊतकों में पाए जाने वाली कोशिकाओं में भी अंतर पड़ता है। देखे थे कि जो एपिथेलियम कोशिका है वो उसका शेप अलग होता है, पेशीय कोशिका का शेप अलग होता है, ब्लड की कोशिका का शेप अलग होता है। तो यहाँ एक कॉमन जो जंतु कोशिका है उसका शेप देखें तो यह एक बाहरी आवरण से घिरा होता है। ये क्या कहलाता है? प्लाज्मा झिल्ली। ये प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन का बना होता है, सबके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। बीच में केंद्रक होता है जो पूरी कोशिका का नियंत्रण करता है। केंद्रक और ये प्लाज्मा झिल्ली के बीच में जो द्रव पाया जाता है साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, और इसके भीतर जो द्रव है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट, जो केंद्रक के भीतर में है। इसके अतिरिक्त गोल्जी उपकरण है, अंतःपदवी जालिका है ना, अंतःपदवी जालिका पे ही देख रहे हैं दाने दाने निकले हुए हैं जिसको राइबोसोम कहते हैं। लाइसोसोम होता है, तारक केंद्र होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और बाकी जो द्रव्य बच गया वो सब कोशिका द्रव्य। ये लगभग सभी जंतु कोशिकाओं में ये पाई जाती है जो यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक में सभी अंगक नहीं पाए जाते, ये आवश्यक नहीं कि सभी में सभी अंगक पाए जाएंगे, लेकिन अधिकांश कोशिकाओं में ये अंगक पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं की चर्चा की जाए तो पादप कोशिका में ये लाइसोसोम नहीं होगा, ठीक है, और तारक केंद्र भी नहीं होगा, बाकी सभी होंगे पादप कोशिका में। पादप कोशिका में एक इसके बाद भी एक झिल्ली होगी, इसको कोशिका भित्ति कहते हैं, और वहाँ पे लवक पाया जाता है पादप कोशिका में जो जंतु कोशिका में नहीं होता। इसके अतिरिक्त पादप कोशिका में रिक्तिकाएं पाई जाती है जिसकी वजह से उसका आकार जल्दी बढ़ता है। आप अपने आपके सामने कोई पौधा अगर आप उगाते हैं देखेंगे कि आपके हाइट से 10 गुने 20 गुने हाइट से वो पौधा बढ़ता जा रहा है। इसका अर्थ है कि उसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया जल्दी होती है, उस विभाजन में रिक्तिका का बहुत बड़ा योगदान है, वो किस कोशिका के वृद्धि में सहायक होता है। अब आते हैं हम लोग एक एक कोशिकांग का हम लोग डिटेल में स्टडी करें कि एक एक कोशिकांग क्या होता है। जैसे केंद्रक हो गया, तो केंद्रक जो है ये पता था कि केंद्रक की खोज किसने की। अब हम लोग केंद्रक की जो रचना है उसको फोकस करते हैं। तो केंद्रक जो है यह चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, यानी केंद्रक जिस झिल्ली से घिरा होता है उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, और ये छिद्र क्यों आवश्यक है? क्योंकि फिर केंद्रक के भीतर कोई सामान अगर जाना है, कोई सामग्री जानी है, कैसे जाएगा? उस छिद्र से होकर जाएगा, ठीक है, उसको न्यूक्लियर होल या केंद्रक छिद्र कहते हैं, ठीक है। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम से पहले आप देखिएगा, केंद्रक के भीतर देखिएगा तो जाल नुमा रचना पाई जाती है, उसको कहते हैं क्रोमेटिन जाल। और क्रोमेटिन जाल जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, केंद्रक में से पानी निकल जाता है, तो वो टाइट हो जाता है, और टाइट हो जाता है तो उस टाइट जो धागा है उसी को क्रोमोसोम या हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। यही आनुवंशिक गुणों की सूचना जो आती है वह माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में क्रोमोसोम के थ्रू जाता है, ठीक है। और क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन के सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं, और डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही क्या कहते हैं? जीन, ठीक है। तो क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है, और डीएनए का खंड क्या है? जीन। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही है उसमें वह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है,
क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह रचनाओं का एक जाल या पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजन होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में एक कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है, ठीक है, इसको संसूति विभाजन आप कहते हैं। यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, बहुत छोटा केंद्रक दिखता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? केंद्रकाय कहते हैं, ठीक है। इसमें केंद्रक झिल्ली ना हो, सिर्फ क्रोमैटिन पदार्थ हो, उसको क्या कहते हैं? केंद्रकाय। आजकल कॉम्पिटिशंस में बहुत माइन्यूट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एकदम भीतर से बहुत क्लोजेस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब तक आप ब्रीफ कंसेप्ट लेके नहीं चलेंगे, एक एक पॉइंट का कंसेप्ट लेके नहीं चलेंगे, तब तक हो सकता है कि आप कोशिका के बारे में सब कुछ जान रहे हैं, किसी एक छोटे से छोटे पॉइंट को जानना भूल गए, तो कंपटीशन में आप गलती करके चले आएंगे, एग्जाम में आप मिस्टेक करके चले आएंगे। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यानी जो प्रोकैरियोटिक की हम चर्चा इससे पहले किए हैं उसका अर्थ है कि उसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, बल्कि केंद्रक की जगह क्या होता है? केंद्रकाय होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होगा? प्रो मींस आदि, यानी पहले, पूर्व। कैवियोट कहते हैं, कैवियोट शब्द कैवियोन से बना है जिसका अर्थ होता है केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक से पूर्व की अवस्था होगी प्रोकैरियोट, और जो जो जीव में केंद्रकाय हो केंद्रक ना हो उसको प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, ठीक है। और जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है यानी वास्तविक केंद्रक पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कल भी चर्चा किए थे, आज क्लियर हो गया। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल जिल्लेदार पुटिका के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। क्लियर हो गया? यूकैरियोटिक में प्लास्टिड होते हैं, वो प्लास्टिड हम बताएंगे कि तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड में जब आएंगे तो हम उसको क्लियर करेंगे। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें सिर्फ जालीदार पुटिका के थैले की तरह होता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। स्पष्ट हो गया किन्वक? प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकृति देखें तो ये कोशिकाएं हैं, जो इसकी कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली राइबोसोम में पूरा कोशिका और इसके भीतर में ये ऐसा कोशिका है, ठीक। अब कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य का अर्थ हो गया कोशिका के भीतर मौजूद सभी पदार्थ, है ना। तो कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र होता है, यही क्षेत्र क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है, इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगक। कोशिका द्रव्य में जो भी घटक मौजूद है उसको क्या कहते हैं? अंगक। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। यानी जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य भी हो गया और केंद्रक भी हो गया, ठीक। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। कोशिका अंगक क्या होते हैं? झिल्ली युक्त। प्रत्येक अंग की अपनी अपनी बाहरी झिल्ली होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, ठीक। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। अब आप बताइए, आपकी जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक बहुत सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में ही प्रोकैरियोटिक पुष्का होती है, और हम लोगों में या जो भी जीव जंतु आपको दिख रहा नंगी आंखों से, वो सब प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने। ठीक, झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षण नहीं होते जब तक कि वह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। इसलिए वायरस को या विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच कवि कहा गया। यदि बॉडी के भीतर है तो सजीव है, बॉडी के भीतर निकला तो निर्जीव हो गया, फिर बॉडी के भीतर गया सजीव हो गया। हालांकि उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इतना देर वो जिंदा रह सकता है, लेकिन और बाकी में क्या, बॉडी से बाहर निकला मर गया। ठीक है, इसको सजीव और निर्जीव की बीच की कवि कहते हैं। तो वायरस में भी किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, और जब ये सजीव के शरीर में पहुंचते हैं तब कोशिका के अपने को हमारी जो कोशिका है उसका उपयोग कर बहुगुणन कर लेता। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में आप फर्क देखें। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार बहुत छोटा होता है, ठीक है, 10^-6 मीटर से भी छोटा, 10^-6 मीटर को माइक्रोमीटर कहते हैं। तो कह सकते हैं कि 10^-6 मीटर से भी छोटा या 1 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसका आकार 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका बड़ी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है। केंद्रीय क्षेत्र नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक में, हाँ, और इसमें केंद्रीय क्षेत्र पाया जाता है, झिल्ली पाया जाता है, क्योंकि इसमें उसे क्या कहते हैं, केंद्रकाय। क्या है, केंद्रकाय। इसमें क्रोमोसोम एक ही होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में धागा की तरह कल देखे थे हम लोग, और इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। इसकी जो कोशिका होती है वो उसके जो कोशिका के जो अंगक है उसमें झिल्लियां अनुपस्थित होती हैं, इसकी कोशिकाओं में झिल्ली उपस्थित होती है। अब कोशिका के अंगक को देखें, केंद्रक देख लिए, जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य देख लिए, अब कोशिका के अंगक देखें। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। जैसे लाइसोसोम में तो माइटोकॉन्ड्रिया से अलग रहे, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी उपकरण से अलग रहे, तो सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं जिसमें बहु कोशिकी जीवों की कोशिकाएं भी शामिल है को भी उपाख्यायी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सके। इस विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो इन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है, क्योंकि यूकैरियोटिक प्रत्येक में झिल्ली होता है, प्रोकैरियोटिक में झिल्ली नहीं होता, तो अलग होकर नहीं गया। ठीक है, अब अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, ये सब कोशिका अंगक हैं, और एक एक करके हम लोग देखते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको इंग्लिश में इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट में ईआर कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बड़ा तंत्र है। ठीक है, ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। ठीक है, कैसे दिखाई देती है, गोल या आयताकार। अंतःप्रद्रव्य जालिका की रचना एक प्लाज्मा झिल्ली के ही समरूप होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी होती है, एक चिकनी होती है। ठीक है, चिकनी स्मूथ इसको कहते हैं। तो जो खुरदरी होती है वह खुरदरी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम उस पर चिपका रहता है, इसकी वजह से वो खुरदुरा दिखाई देता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखने पर वो खुरदुरा दिखाई देता है, और राइबोसोम पाया जाता था, राइबोसोम क्यों बैठा हुआ वहाँ पे, तो राइबोसोम एक बहुत अच्छा चीज है, यह प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल होता है, कौन, राइबोसोम। ठीक है,
और यह जो है, यह जो राइबोसोमल जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या खुदरी जो अंतःपुटीय जालिका है, या तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुकूल अंतःपुटीय जालिका के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजती है। क्योंकि प्रोटीन की आवश्यकता तो सब जगह होता है, डीएनए में प्रोटीन होगा, आरएनए में प्रोटीन होगा, ठीक है, इसके बाद जीव द्रव्य में भी प्रोटीन होगा। तो प्रोटीन का, अब जब तक प्रोटीन नहीं होगा कोशिका में, जीव द्रव्य का निर्माण नहीं होगा, तो कोशिका हाँ जो है उसमें फिर वृद्धि नहीं। इसलिए जो है राइबोसोम पे क्यों पाया जाता है अंतःपदाभिजालिका जालिका पे, ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं, ये अणुओं के बनने में सहायता करती है ऐसा बता दिए हैं, यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ प्रोटीन तथा कोशिका उसका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? झिल्ली जीवात जनन, क्योंकि झिल्ली के द्वारा इनका जनन होता है। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। इसकी भांति कार्य करते हैं प्रोटीन, वसा, एंजाइम और हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में अंतःपदाभिजालिका जालिका भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, कौन? अंतःपदाभिजालिका जालिका, इसलिए इसका नाम है, नाम के आगे जालिका लगा हुआ, चूंकि जालिका तंत्र बनाएगी बनाएगी। इस प्रकार अंतःपदाभिजालिका जालिका एक का कार्य एक कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य पदार्थों खासकर प्रोटीन के परिवहन की नलिका के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है? नलिका के रूप में। अंतःपदाभिजालिका जालिका कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। ठीक है, और एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकों कहते हैं के यकृत की कोशिकाओं में स्मूथ इंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब चिकनी अंतःपदाभिजालिका जालिका विष तथा दवा को निराभिषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चिकनी कहाँ पाई जाती है? यकृत की जो कोशिकाओं में होंगे तीन, उसमें जो अंतःपदाभिजालिका जालिका होगी वो चिकनी होगी, बाकी जगह पे क्या होगा? खुदरी होगी। अब देखिए कॉम्पिटिशन्स में खासकर बीपीएससी यूपीएससी वगैरह, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत भीतर से क्वेश्चंस आते हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड की वो क्वेश्चंस ज्यादा, इसलिए हम आप लोगों को एनसीईआरटी सी बेस बनाने की सिखाई स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखेंगे कि ये एक्स भारती भवन या फिर बीटीसी या फिर जो स्टेट बुक्स पब्लिकेशंस हैं इसमें ये बात का जिक्र नहीं है कि मानव शरीर या कशेरुकिया जो है कशेरुकू हैं उसके किस अंग की कोशिकाओं में चिकनी अंतःपदाभिजालिका जालिका पाई जाती है। ये आप यहाँ देखें एनसीईआरटी में कि वो दे रहा है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्लास में पढ़ने हैं, नो डाउट मेडिकल में आप जाएंगे, एनाटॉमी में आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहाँ आपको 9th क्लास के स्टैंडर्ड में आपको जो कुछ इधर लोकल पब्लिकेशंस के बुक्स हैं उसमें नहीं दिया जाता, ये लगभग बुक्स का स्टडी करते हैं देखते हैं। और ये हाँ एनसीईआरटी एक शब्द आपको एक्स्ट्रा यहाँ दिया जिसको बहुत बारीकी से आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि मानव के बॉडी में लीवर ही ऐसा अंग, लीवर ही यकृत को लीवर कहते हैं, लीवर ही एक ऐसा अंग है मानव बॉडी का या कशेरुकों का है बटुका का है जिसकी कोशिकाओं में अंतःपदाभिजालिका जालिका जो होती है वो चिकनी होती है। ठीक, अब आते हैं गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण, इसका नाम गोल्जी उपकरण इसलिए पड़ा कि इसका जो खोजकर्ता थे वो कैमिलो गोल्जी थे। तो कौन? कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है ना, इसलिए इसको गोल्जी उपकरण कहते हैं। और जो सजी रहती है ने कुंडिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडिका। अब
झिल्लियों का संपर्क अंतःपदाभि झालिकाओं से जीभ में होता है तथा इसलिए जटिल उसकी झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। ठीक है, ये पादप कोशिका का फिगर है, इस पे आते हैं। अब अंतःपदाभि जालिका में संश्लेषित पदार्थ बलजीवकरण में पैक किए जाते हैं। वहां पर जैसे आपका घर में आप क्या करते हैं कि चावल या फिर आटा या कुछ आता है आपके घर में, तो मम्मी आपकी क्या करती है, उसको स्टोर कर देती कोई बर्तन में, क्योंकि वो जो भी आया है खाना, खाने का सामान, खाने बनाने का सामान, वो एक ही दिन में खपत होगा नहीं, तो उसको डिफरेंट उसका जो कंटेनर है उसमें उसको स्टोर कर दिया जाता है। तो बस सेम यही मान के चलिए कि कोशिका के भीतर का यह स्टोरिंग कंटेनर होता है ना, और यह गोल्जी बॉडी में जमा है, और जब जब आवश्यकता होगी कोशिका के भीतर आवश्यकता हो, कोशिका के बाहर आवश्यकता हो, उस वक्त इसको वहां से लाके भेज दिया जाएगा। इस कार्य में शामिल है पुटका के पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। शक्कर ग्लूकोज सिंपल जो सैकेराइड है, मोनोसैकेराइड, वो डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, लाइसोसोम को बनाने में भी मदद करता है। अब आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जो झिल्ली जो होती है, झिल्ली भी रचना होती है, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, लेकिन भाई आत्महत्या की थैली है तो फिर लाइसोसोम बॉडी में पाया ही क्यों जाता है, कोशिका में पाया ही क्यों जाता है, इसके पीछे कारण है। लाइसोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, और एंजाइम का क्या काम होता है, पचाना। तो कोशिका के भीतर जो पदार्थ होंगे और डुबोज पदार्थ होंगे उनको यदि पचाने की आवश्यकता पड़े वो काम लाइसोसोम करेगा। लाइसोसोम अपना एंजाइम देगा जिस एंजाइम की सहायता से वो पचेगा। ठीक है, और लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। मतलब समझ में आया, जैसे आपका जो सीवेज है, अब नाला में जो है आपके जो पदार्थ जा रहे, अब वो बायोडिग्रेडेबल है, जैसे चावल हो गया, किचन का सामान हो गया, प्लास्टिक को छोड़ के, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल को छोड़ के क्या होता है, धीरे 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 वो टूटता जाता सड़ जाता, अब फिर वो बाहर निकल जाता। ऐसे ही जो है लाइसोसोम कोशिका के भीतर जो टूट फूट होगी उसको बाहर निकलने का काम करेगा, पचा पचा के छोटा छोटा तोड़ के। कोशिका के अंदर आने वाली बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा भी आपको इधर की बुक्स में नहीं मिलती है, बुक्स में यहाँ यह दिया रहा है, आप उसको गौर कर लें कि जो बैक्टीरिया है वह कोशिका के भीतर प्रवेश करे तो उसको कहाँ भेजा जाता है, करके लाइसोसोम के पास, क्यों, उसको छोटा छोटा टुकड़ा में वो तोड़ दे। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। कोशिकीय चयापचय, उपापचय कहते हैं इसको, चयापचय शब्द लिखा है जिसको, सिंपल में आप समझो उपापचय, मेटाबॉलिज्म है ना, उपचय और अपचय, उपचय मतलब बनने की क्रिया, उपचय और टूटने की क्रिया, विनाश की क्रिया, अपचय कहते हैं, दोनों मिला के उपापचय। तो उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं, और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। जब पूरी कोशिका को पचा देगा तो कोशिका का एक एक अंग खत्म हो जाएगा, तो एक एक अंग खत्म हो जाएगा तो उस कोशिका ही नहीं कि पूरा बॉडी खत्म हो जाएगा, वो पार्टिकुलर वो कोशिका खत्म हो, पार्टिकुलर वो कोशिका खत्म हो गया, इसके कारण खत्म हुआ, अपने ही अंगक लाइसोसोम में मौजूद एंजाइम के कारण,
इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, आत्महत्या की कोशिका की आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली है। हो गया क्लियर। अब आपको जानना है कि कैमिलो गोल्जी कौन थे, तो इनका जन्म कैमिलो गोल्जीकरण के बारे में जो बताए हैं, इनका जन्म 7 जुलाई 1843 को इसका के समीप कार्टोनो में हुआ था। उन्होंने पविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पविया के सेंट मोटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने एविया टेग्रेसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में, रोग का क्या नाम था, एविया टेग्रेसो, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र की। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था, उन्होंने अकली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की तंत्रिकाई विधि प्रदान की और इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। ब्लैक रिएक्शन के इनसे संबंधित हो गया, ब्लैक रिएक्शन। अगर आपको कभी कॉम्पिटिशन में अगर आपको पूछे जाए ब्लैक रिएक्शन का संबंध किससे है, किससे है, कैमिलो गोल्जी से, ठीक। और वह ब्लैक रिएक्शन में क्या हुआ, तो तंत्रिका तंत्र तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करना, अभिरंगित करना, कैसे हम उसको, किस कलर से हम उसको रंग दें कि हम जब माइक्रोस्कोप में दिखे तो स्पष्ट हो हमको दिखे कि भाई ये तंत्रिका कोशिका है या ये कोशिका संरचना। आज हम लोग तो, हम लोगों के पास तो मौजूद हो गया अभिरंग, लेकिन उसका जो खोज था ये उनकी देन। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के, सिल्वर नाइट्रेट बनते हैं GnO3, सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग, तनु घोल कहते हैं, सांद्र घोल होता है जिसमें पदार्थ की मात्रा अधिक हो, जल की मात्रा कम, और तनु घोल होता है जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, पदार्थ की मात्रा कम। जैसे 5% विलयन वो तनु कहलाएगा, 40% विलयन तनु कहलाएगा, 95% विलयन वो शांत कहलाएगा, ठीक। और विशेषकर यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण, ठीक है। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। गोल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 में इन्हें सैंटियागो रेमोनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। अब आते माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, क्योंकि एक कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दो ही झिल्ली की बनी होती है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के चित्र को बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को कम करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। एटीपी का फुल फॉर्म हो गया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है, एटीपी से, ऊर्जा इकाई कहते हैं एटीपी को। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है, शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बहुत अद्भुत अंगत है, क्योंकि इसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं तथा माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया अच्छे से। अब आते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड से पहले हम पादप कोशिका को एक बार देख लें। पादप कोशिका जो होती है, अब जंतु कोशिका की तरह हम बता दिए, जंतु कोशिका में पादप कोशिका में देखिए तारकाएं कहीं नहीं है,
और किस सब आकृति हुई है, इसमें कोश का विकि बाहर से आ गया, ठीक है। ये विकटिका बदाए हैं, विकटिका बढ़ गया इसमें और लवक बढ़ गया, ठीक है, बाकी सबसे वही। अब हम लोग आते हैं प्लास्टिड, ये प्लास्टिड जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, इसको हिंदी में आप लवक कहते हैं, लेकिन पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, बहुत विशेषता है इस लवक की। अब देखेंगे कि पत्ती के कोशिका में कोई और लवक है, तना की कोशिका में कोई और लवक है ना, और फूल की कोशिका में कोई और लवक है, इसलिए इसको डिटेल से अच्छे से देखें कि प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड होते हैं, ठीक, ऐसा होता है रंगीन, और इसी की वजह से जो है वो पत्ती जो होता है उसमें आप क्या देखते हैं, हरा होता है उसका रंग, फूल का रंग पीला हो जाता है ना। तो यहाँ जो है क्रोमोप्लास्ट का बहुत योगदान है, योगदान है यहाँ, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है, जो जिससे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लियर हो गया। यानी क्लोरोप्लास्ट एक तरह का क्रोमोप्लास्ट। अब इसको फिर से आप समझिए, कंफ्यूजन नहीं होना। लवक को दो भाग में बांट दिया, एक जिसमें रंग हो उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और एक जिसमें रंग नहीं हो, रंगहीन हो या श्वेत हो, इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। दो भाग में बांट दिया, वो रंगहीन है या श्वेत है उसको अपलक्षण की चलिए। अब आइए पहले आप जो रंग युक्त है इसको आप कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट ये विभिन्न तरह के होते हैं। अब देखिएगा कि कोई गुलाब लाल दिखता है, लाल रंग होता है, किसी में पीला रंग का गुलाब भी होता है, ठीक है। गेंदा का रंग देखिए अलग है। तो भाई ऐसा क्या है प्लांट में जो अलग अलग रंग हो जाते हैं, किसी के बीज का रंग देखिए भूरा होता है, किसी के बीज का रंग काला होता है, किसी का बीज लाल हो जाता है। तो ये जो रंग आते हैं वो रंग आता है क्रोमोप्लास्ट। सिंपल आपसे कोई पूछे भाई लाल गुलाब के फूल का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें लाल रंग का क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। सिंपल आप एग्जांपल दे सकते हैं। अब आपको अपनी सिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई गेंदा का रंग पीला क्यों होता है, आप बता सकते हैं भाई क्योंकि उसमें पीले रंग का क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लियर। अब आप देखेंगे कि भाई पत्ती का रंग तो हरा होता है अधिकांश पत्तियों का, कुछ पत्तियों को कैक्टस वगैरह की पत्तियों को छोड़ दे जो रंगीन होता है, बाकी सबकी पत्तियां जो आप देखते हैं सबका रंग हरा होता है। जो हरा पत्ती है वो चाहे वो गुलाब का पौधा हो उसकी भी पत्ती हरी होगी, धान का पौधा हो उसकी भी पत्ती हरी होगी, तो पत्तियां तो सबकी हरी होती। तो पत्ती में एक ही तरह का वर्णक पाया जाता है अधिकांश पत्तियों में, कुछ अपवाद को छोड़ के, उस पत्ती उस वर्णक को कहते हैं, उस क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक, यानी हरा रंग वाला लवक, ठीक है। और इसी की वजह से प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आपको क्लियर हो गया कि भाई प्रकाश संश्लेषण फूल में क्यों नहीं होता है, पत्तियों में क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट फूल में नहीं पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। यही वजह है कि फूल में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पत्तियों में होगा, तना में नहीं होगा, पत्तियों में। कंफ्यूजन दूर। अब आते हैं कि जो पौधों में क्लोरोप्लास्ट और प्रकाश संश्लेषण के लिए तो आवश्यक है ही, साथ में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। अब आते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रंग रूप से अंगक हैं जिनमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। यानी यह जो है ल्यूकोप्लास्ट ये क्या करता है, संचय का काम करता है। कहाँ पाया जाएगा, जड़ में, तना में, इस समय पाया जाएगा, और
पदार्थों के संचय का काम करेगा, वही स्टार्च बनता है, प्रकाश संश्लेषण होगा तो दिने में ना होगा, उसको रातों में आवश्यकता होगी खाने की, तो संचित करके रखेगा उसको तब ना देगा। अब आम का देखते हैं, आम का सीजन आया, छोटा सा टिकोला था, मंजरी था, बड़का टिकोला है, बड़ा टिकोला हुआ, आम और से बड़ा हो गया, तो वही संचित होगा उसमें स्टार्च प्रोटीन ये सब, तब ना फिर उसका फल का साइज बढ़ेगा। तो ये काम किसका है, ल्यूको क्लोरोप्लास्ट की जो भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं, जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। कहाँ स्थित होती हैं? स्ट्रोमा। प्लास्टिक वह रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिक में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। ठीक है, डीएनए और राइबोसोम कहाँ होते हैं? प्लास्टिक में। अब आते हैं रसधानिया। रसधानिया क्लियर है आपको? रसधानिया जो होते हैं, बॉल्जी रसधानिया, ये ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानिया छोटी होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानिया बहुत बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप उसका के आयतन से 50 से 90% तक होता है ना, कोशिका में 50 से 90% तक रसधानियां होती हैं। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना, पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं, ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है। एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। तो रसधानी भी क्लियर हो गया आपका। और कोशिका विभाजन पे आते हैं। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती है, जिसे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनता है। आपको घाव हो जाता है, वहां की सारी कोशिकाएं खत्म हो गई, फिर आपको नई कोशिका आ जाती है। उसका विभाजन जब तक नहीं होगा कैसे आएगी? ठीक है, आपका कहीं उंगली दब गया, वो उसमें जो काला पड़ गया, वो देखिएगा धीरे 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 वो खत्म हो जाता है, नई कोशिका आ जाती है। जब तक उसका विभाजन नहीं होगा तब तक कैसे है? बच्चों की के साइज में वृद्धि होती है, उसका आकार बढ़ता जाता है, तो जब तक उसके उसका विभाजन नहीं होगा कैसे आकार बढ़ जाएगा? नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को ही कोशिका विभाजन कहते हैं, है ना? सूत्री विभाजन और अशुत्री विभाजन नामक दो प्रकार की कोशिका विभाजन प्रक्रिया है। सूत्री का मतलब होता है कि सूत्र गम गुण सूत्र, जिसमें समान हो उसको समसूत्री या सीधे सूत्री, माइटोसिस के विभाजन, और जिसमें गुण सूत्र क्या हो जाते हैं आदि हो जाते हैं उसको मियोसिस के विभाजन और अशुत्री विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका जिसे मातृ कोशिका भी कहते हैं, मतलब जिस कोशिका से नई कोशिका बनेगी उसको मातृ कोशिका या पितृ कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। यानी समसूत्री में एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है? दो कोशिकाएं बनती है। इसमें गुणसूत्र यदि 46 है तो इसमें भी 46 आएगा, इसमें भी 46 आएगा, गुणसूत्र आधा नहीं हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस की विभाजन। ठीक है, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की ही समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं उत्कों की मरम्मत में सहायता करती है। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों तथा उत्कों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं, जो निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण करती है। तो यह एक प्रकार का विभाजन है जिसे अशुत्तन कहते हैं। जैसे यहाँ 46 है, दो भाग में बट गया, दो भाग में बटा तो इसमें 23 आ गया और इसमें 23 आ गया। ठीक है, इसलिए इसका नाम है अर्धसूत्रि विभाजन। अब क्या होगा, ये फिर दो भाग में समसूत्रि में बटेगा, यानी अब ये 46 है, अच्छे से समझे, ये 46 है, दो भाग में बटा, इसमें 23 आया, इसमें 23 आया, अब फिर यह 23 जब दो भाग में बटा तो ऐसा ही बटा, इसमें भी 23, इसमें भी 23, ऐसा नहीं कि ये 23 ये भी 23, तो ये भी 23 और ये भी 23, और एक ये
जब बाद होता है, सुतु विभाजन ही खत्म हो गया, लेकिन जब बाद युग्मनज बनते हैं तो उसमें क्या हो जाएंगे कि जब निषेचन होता है तो एक ये मिलता है और एक ये मिलता है। अब देखिए यहाँ 46 था, ये आया 23, ये भी आया 23, इसमें से दो बना, ये भी आया 23 23 दोनों, और ये भी आया 23 23 दोनों। अब इसका 23 और इसका 23, मान लो एक इसमें से दोनों में से कोई एक हो सकता है, इस दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब ये 23 और 23 आपस में मिल गए तो फिर कितना हो गया 46। इस तरह से जो अब आप देखेंगे द्विगु विभाजन में भी है ना, इसलिए आम के बीज से आमे का विकास होता है, ठीक है, धान के बीज से धान का विकास होता है, क्लियर हो गया। तो यह है क्यों, क्योंकि उसमें गुणसूत्र की संख्या में अंतर नहीं पाया जाता, तो खासकर द्विगु विभाजन की आवश्यकता जनन कोशिकाओं में पड़ती है। इस तरह से जीवन की जो मौलिक इकाई कोशिका है उसको हम डिटेल में देख लिए हैं, रिवाइज करने की आवश्यकता होगी, इस वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। और आशा है कि इस चैप्टर में किसी भी पॉइंट में आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यदि कोई भी कन्फ्यूजन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित तौर पर आप कॉमेंट में हमें दें, हम आपको आंसर बताने की कोशिश करें। अगले वीडियो में अलग चैप्टर्स के साथ लिखिए।